अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयमा खोसा और आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब स्टूडियो में और वो क्वेश्चंस जो आपने हमें लिख के भेजे हैं हैशटैग सेठी से सवाल पर। पहला सवाल है फ़ायदे आज़म की तरफ से और वो सेठी साहब से जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान में कभी एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनेगा? फ़ायदे आज़म साहब, और अल्लाह रहमी करे कि अगर जैसे हिंदुस्तान में जिस किस्म का शख्स चाय वाला बना है उस किस्म का शख्स यहाँ ना ही बने तो बेहतर है। आगे आइए, आपको याद दिलाता चलूँ कि आम आदमी, चाय वाला से यही मुराद है ना आपकी, आम आदमी। हिंदुस्तान में एक आम आदमी पार्टी भी बन चुकी है और हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी का जो लीडर है वो दिल्ली स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी बन चुका है। थोड़ा आगे चलते हैं, यूक्रेन का प्रेसिडेंट एक कॉमेडियन बना है, इटली का एक ऑपोजिशन लीडर है वो एक कॉमेडियन है। सो ये ऐसी बात नहीं है कि बन नहीं सकते, बन ज़रूर सकते हैं मगर कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो एक तसलसल जमहूरी रवाज होना चाहिए, दूसरा ये कि आम आदमी के लिए एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसके अंदर उनकी शोहरत को मौका मिले फल फूलने का। यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, मारूसी सियासत में बहुत मुश्किल होता है एक आम आदमी को ऐसा मौका मिलने का। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में भी मारूसी सियासत की वजह से 40-45 साल कांग्रेस हुक्मरानी करती रही। हमने यहाँ भी ये देखा कि जब हमारी भी मारूसी सियासत वाले जो हैं उनका जब वक्त ख़त्म होने को आया तो एक नई पार्टी बनी, पीटीआई। मगर पीटीआई में चाय वाला तो नहीं बन सका मगर एक स्पोर्ट्समैन तो बन ही गया ना। तो बिल्कुल बन सकता है मगर कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएं तो क्यों नहीं, चाय वाला भी बन सकता है। सर, अगला क्वेश्चन शाहजेब हसन साहब की तरफ से है और वो आपसे जानना चाहते हैं कि सियासत के अलावा आपको और किन चीज़ों का शौक़ है? मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ दो पीरियड्स में अपनी ज़िंदगी, एक बचपन और एक एडल्टहुड। बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक़ था, पुराने हिंदुस्तानी उस वक़्त के गाने सुनने का बड़ा शौक़ था। उसके बाद स्टैम्प कलेक्शन, मेरा ख़्याल है मेरी बड़ी ज़बरदस्त स्टैम्प कलेक्शन थी और स्टैम्प्स का इसलिए शौक़ था कि वो एक खिड़की थी दूसरी दुनिया देखने के लिए। और सबसे ज़्यादा पसंद मुझे स्टैम्प्स थे ग्रीस के, बिकॉज ग्रीस से ओलंपिक शुरू हुई थी और ग्रीस के स्टैम्प्स के अंदर एथलीट्स और ओलंपियड्स की तस्वीरें होती थी। तो स्टैम्प कलेक्शन बहुत बड़ी मुझे, मेरी बड़ी अच्छी हॉबी थी। उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो फिर किताबें पढ़ने का शौक़ हुआ और वो शौक़ फिर बढ़ता गया बढ़ता गया। अब मुझे लिखने का और पढ़ने का शौक़ है। सर, अगला क्वेश्चन अंजुम जून साहब की तरफ से है और वो आपसे जानना चाहते हैं कि कश्मीर का क्या मुस्तकबिल है, क्या आप कश्मीर का मसला अगले 10 साल में आपको हल होते नज़र आता है? देखिए, कश्मीर का मुस्तकबिल तो इतना अच्छा नहीं मुझे नज़र आता जो जिस तरीके से उनकी ऑपरेशन और रिप्रेशन हो रही है हिंदुस्तान में। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि एक सोल्यूशन मुशर्रफ के ज़माने में और वाजपेयी साहब के ज़माने में हाथ में था, मगर हमारी बदकिस्मती है कि वो सोल्यूशन फॉलो थ्रू नहीं हुआ। अब वो सोल्यूशन बेसिकली ये था कि कश्मीर का फाइनल सोल्यूशन जो है वो 50 साल के बाद बात करेंगे, इसके दरमियान हम कश्मीर को फुल ऑटोनॉमी मिलेगी हिंदुस्तान की तरफ से और हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलके एक जॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे जिसमें तजारत और आना जाना जो है उस भी इजाज़त होगी और फ्रीडम होगा। यही सोल्यूशन थी कि फ़ाइनल सोल्यूशन जो है कश्मीर की वो 50 साल के बाद होगी। मैं समझता हूँ कि अगर हम वहाँ एक दफ़ा फिर वहाँ पहुँच जाएँ तो ये खून खराबा भी ख़त्म हो सकता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान अमन भी हो सकता है और कश्मीरियों को फिर एक वक्त आएगा कि कश्मीरी जो है वो फिर सांस ले सकेंगे। सर, अगला क्वेश्चन सचिन साहब की तरफ से है और उन्होंने हमारा एक पिछला एपिसोड देखा था जिसमें आपने यूथ और यंग तबके के बारे में बात की थी कि उनको तारीख से सही तरह से नहीं पढ़ाई गई, तो वो जानना चाहते हैं कि फिर ऐसी कौन सी किताब है या ऐसी कौन सी किताबें हैं जो उनको पढ़नी चाहिए ताकि उनको सही तरीके से तारीख समझ आए पाकिस्तान की। देखिए, किताबों की लिस्ट तो मैं आपको दे सकता हूँ मगर मेरा ख्याल है एक पहली किताब से शुरू करना चाहिए सिलसिला, और वो किताब है, एक बहुत ही एमेरिटस प्रोफेसर थे
प्रोफेसर खुर्शीद कमाल अज़ीज़, उन्होंने दो दर्जन किताबें लिखी हैं, मगर जो सबसे उनकी अहम किताब है जो कि आपके काम आएगी वो है, उसका नाम है द मर्डर ऑफ़ हिस्ट्री। ये अंग्रेज़ी में शाया हुई है और इसका अब तर्जमा उर्दू में अगले माह आने वाला है। इसको ज़रूर पढ़िए। वो बड़े रिस्पेक्टेड हिस्टोरियन हैं, ना लेफ्टिस्ट थे ना राइटिस्ट थे, प्योर एकेडमिक हिस्टोरियन थे। उन्होंने उस किताब के अंदर बड़े झूठ की खिंचाई की है और सच लिखा, वो ज़रूर पढ़िएगा। सर, अगला सवाल ख्वाजा जवाद साहब की तरफ से है और वो आपसे जानना चाहते हैं कि एक मुजरिम को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक उनका इशारा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ है। अच्छा सवाल है, बहुत से लोग पूछते हैं, खसूसन वो जो मियां साहब को पसंद नहीं करते। अब बात यह है जी कि थोड़ी सी तारीख सीखनी चाहिए और याद करनी चाहिए। भगत सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा। बरतानिया के राज ने उनको सजाए मौत दी थी और उनको एक्सिक्यूट कर दिया था बगावत के लिए। वो हीरो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आगे चलिए, हमारे दौर में फैज़ अहमद साहब को भी कन्विक्ट किया गया था कंस्पिरेसी, मगर आप उनकी शायरी से भी वाकिफ हैं और उनकी शोहरत से भी वाकिफ हैं। आगे आइए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सारा पाकिस्तान शहीद मानता है, यहाँ तक कि लोग कहते हैं ऐसा लीडर नहीं आया जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उनको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर के लिए कन्विक्ट किया था, उनको भी एक्सिक्यूट कर दिया गया। अभी तक वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हीरो हैं। मैं और भी आपको बैरूनी एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ। तो बात यह है जी कि अब नेल्सन मंडेला के साथ तो मैं मियाँ साहब को नहीं कंपेयर करूँगा। नेल्सन मंडेला साहब 3 दहाइयाँ जेल काटी, कन्विक्शन कॉन्विक्ट थे, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि करोड़ों लोग मियाँ साहब को हीरो समझते हैं और उनके लिए वोट डालते हैं। और याद रहे आखिरी बात कि कन्विक्शन क्या होती है या कॉन्विक्ट बनाना क्या होता है। मियाँ साहब को 2000 में मुशर्रफ ने कन्विक्ट किया फॉर हाईजैकिंग और एग्ज़ाइल में डाल दिया। 10 साल के बाद वो लौटे आम आदमी की तरह नहीं, एक कॉन्करिंग हीरो की तरह, और आके तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख अगर आप पढ़ें और आप देखें कि तारीख में क्या होता है, तो फिर आपको इस बात का एहसास होगा कि आज का कॉन्विक्ट कल का हीरो भी हो सकता है और कल का हीरो आज का कॉन्विक्ट भी होता है। सर, अगला क्वेश्चन अली हुसैन साहब की तरफ से है और वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपनी चिड़िया को क्या खिलाते हैं कि वो आपके लिए इतने मुश्किलात में जाती है, इतने मुश्किलात का सामना करती है, क्या खिलाते हैं? हाय, ये चिड़िया के सवाल नहीं ख़त्म होते। सच तो ये है कि चिड़िया को ब्रेन मसाला बड़ा पसंद है। सबसे ज़्यादा शौक से वो मेरा दिमाग खाती हैं। चले, हम इसी सवाल से सेठी साहब का दिमाग खाना बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेठी से सवाल। आप प्लीज़ अपने सवाल #सेठी से सवाल पर लेके भेजते रहिए और हम अगले शो में उनको ज़रूर लेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल नजम सेठी ऑफिशियल पे सब्सक्राइब करिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।